अब वहीं पर अगर बात की जाए फतेहपुर की, तो यहां पर तो पुलिस के सामने ही दो गुट भिड़ गए और ऐसी मारपीट शुरू हुई कि वीडियो ही वायरल हो गया। पुलिस के सामने सभी लोग एक दूसरे पर लात, घूंसे, थप्पड़ों की बारिश करने लगे। मारपीट के दौरान बीच बचाव में आई महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने जो सामने आया उसे मारा। यहाँ तक कि जब एक पुलिस वाला इनके बीच में आया तो लोगों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस के सामने हो रही ये मारपीट जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इन लोगों में पुलिस का कितना खौफ है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। कानून के रखवालों के सामने ही दो पक्षों में लात, घूंसे और थप्पड़ चलने का ये सीसीटीवी यूपी के फतेहपुर का है, जहां बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में सभासदों ने गुर्गे के साथ पूर्व सभासद के घर पर धावा बोला और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले में प्रभारी निरीक्षक बिंदकी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई, जिस पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। अब वहीं पर अगर बात की जाए फतेहपुर की, तो यहां पर तो पुलिस के सामने ही दो गुट भिड़ गए और ऐसी मारपीट शुरू हुई कि वीडियो ही वायरल हो गया। पुलिस के सामने सभी लोग एक दूसरे पर लात, घूंसे, थप्पड़ों की बारिश करने लगे। मारपीट के दौरान बीच बचाव में आई महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने जो सामने आया उसे मारा। यहां तक कि जब एक पुलिस वाला इनके बीच में आया तो लोगों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस के सामने हो रही ये मारपीट जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इन लोगों में पुलिस का कितना खौफ है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। कानून के रखवालों के सामने ही दो पक्षों में लात, घूंसे और थप्पड़ चलने का ये सीसीटीवी यूपी के फतेहपुर का है, जहां बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में सभासदों ने गुर्गे के साथ पूर्व सभासद के घर पर धावा बोला और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले में प्रभारी निरीक्षक बिंदकी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई, जिस पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है।